सो टुडे वी विल लर्न द पॉकेट मनी पार्ट थ्री। सो ऑलरेडी हम सब क्या देखे हैं, इट इज अ प्ले एंड व्हाट इज द एक्चुअल वर्क ऑफ द प्ले। द प्लेज मेन पर्पस इज टू गिव सोसाइटी ए मैसेज थ्रू स्टेज परफॉर्मेंस। ठीक है, एक प्ले लिखे जाते हैं स्टेज में परफॉर्म करने के लिए। सपोज तुम सब चाहो तो तुम सब भी इस प्ले को परफॉर्म कर सकते हो। डिफरेंट कैरेक्टर्स अलग अलग बच्चे को अलग मतलब तुम एक एक रोल चूज करोगे और उसके बाद प्रैक्टिस करके यू कैन परफॉर्म इट ऑल्सो। तो अब तक क्या देखे कि आर्नेस्ट जो है अपने पिताजी को कहते हैं कि टेलीफोन डिसऑर्डर है इसीलिए क्योंकि वेदर की वजह से हो सकता है, लेकिन उसके पिताजी कह रहे हैं नो ये वेदर की वजह से नहीं हो रहा है। व्हाट इज द वेदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव्स टू द पर्सन हु और गिव्स टू द अथॉरिटी। उस टेलीफोन की जो अथॉरिटी है उसके ऊपर ये जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर केयरलेसनेस टेलीफोन डिसऑर्डर सिस्टम में है। तो काम लोग, क्योंकि आजकल के लोग जो है काम ठीक से समझते नहीं है कि काम का मतलब, काम समझते नहीं है मतलब दे आर नॉट डूइंग ऑनेस्टली काम नहीं करते हैं। तो अब देखते हैं आगे ना बोल रहे हैं आनेस्ट बोल रहे हैं इट ओनली थ्री डेज टू क्रिसमस। जब वर्क से याद आते हैं कि उसके पिताजी जो है आर्नेस्ट के फादर पूछते क्या तुम अपने होमवर्क किए हो, तो तब आर्नेस्ट कहते हैं कि नहीं ऑलरेडी हम सबकी छुट्टी हो चुका है होमवर्क नहीं है। तो उसके कहते हैं आई शुड हैव थॉट क्रिसमस ईव वुड हैव बीन सून एनफ, आई शैल बी एट द ऑफिस टिल देन। बोल रहे हम सब तो उस टाइम तक ऑफिस में रहेंगे, मतलब अभी उसके पिताजी का एक्चुअली कहना है कि क्रिसमस ईव तो अभी देर है, तुम सब अभी से छुट्टी कैसे हो गया। आर्नेस्ट बोल रहे यस बट बिजनेस इज डिफरेंट। बोले हाँ दो तीन दिन छुट्टी बाकी है अभी क्रिसमस के, लेकिन बिजनेस इज डिफरेंट थिंग, बिजनेस अलग है एंड आवर लाइफ इज समथिंग डिफरेंट। तब उसके पिताजी कहते हैं सो इट सीम्स, अच्छा तो ऐसा लगा बिजनेस डिफरेंट है, यू विल डिस्कवर दैट फॉर योर सेल्फ समडे। बोले तुमको भी कुछ दिन के बाद ये समझ में आ जाएगा, लाइफ इज नॉट ऑल प्लेजर व्हेन यू हैव लेफ्ट स्कूल, लाइफ तुम्हारे लिए प्लेजर नहीं रहेगा जब तुम स्कूल छोड़ दोगे। आर्नेस्ट कहते हैं Not while you were there. तो आर्नेस्ट यहाँ पे देखो थोड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करते क्या तुम आपके लिए स्कूल नहीं था क्या मतलब प्लेजरेबल। फादर कहते हैं नॉन सेंस माई बॉय नॉन सेंस, वाई माई स्कूल डेज वेयर द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। अब देखो उसकी पिताजी रिमेम्बरेंस में चले जाते हैं। लोग कहते नहीं है कि तुम बड़ा बन के क्या करोगे, तो बड़ा मुझे तो लगता है बेस्ट आंसर ये होगा कि बड़ा बनने के बाद फिर से छोटा बनना चाहता हूँ, क्योंकि ताकि वी ऑल्सो वॉन्ट टू एंजॉय द स्कूल डेज। स्कूल डेज होता है सबके लिए अच्छे दिन, क्योंकि उसके बाद लाइफ में टेंशन आ जाते हैं, कुछ करने की टेंशन, बहुत सारे टेंशन आ जाते हैं। तो बोल रहे नॉन सेंस माई बॉय नॉन सेंस थिंग यू आर आस्किंग। बोल रहे वाई माई स्कूल डेज वेयर द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, मेरी स्कूल डेज जो था वो मेरे लिए सबसे हैप्पीएस्ट टाइम था मेरी जिंदगी का। आर्नेस्ट कहते हैं अब अंकल टॉम डज नॉट से दैट, ये थोड़ा चाचू का चमचा टाइप के है। तो देखो बोल रहे अंकल टॉम तो कहते हैं ऐसा नहीं कहते हैं, अंकल टॉम डज नॉट से दैट, अंकल टॉम इस तरह के नहीं कहते हैं कि स्कूल डेज आर हैप्पीएस्ट डेज। ही सेज ही हैड ए रॉटेन टाइम। अब अंकल टॉम जो है अंकल टॉम कहते हैं कि स्कूल डेज ग्लोरियस डेज नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं ही हैड ए रॉटन टाइम, उसके लिए जो टाइम है मतलब रॉटन टाइम मतलब बहुत ही बुरा दिन, एकदम ओर्स डेज, बहुत ही बैड टाइम है ये। तो फादर बोले ओ डाजी ही इज प्रोबेबली फॉरगॉटन। बोले अच्छा तुम्हारे अंकल ये कहते हैं, तो एक्चुअली मुझे लगता है ही इज प्रोबेबली फॉरगॉटन, वो भूल चुके हैं, भूल गए हैं। तब आनेस्ट बोलते हैं ही हैज नॉट फॉरगॉटन द बीटिंग्स ही यूज टू गेट। बोल रहे नहीं नहीं पापा आप गलत बोल रहे हैं, अंकल टॉम भूले नहीं है, ही हैज नॉट फॉरगॉटन, वो कभी भूले नहीं है द बीटिंग्स ही यूज टू गेट, जो पिटाई उसके होते थे स्कूल में वो नहीं भूले है अंकल टॉम। तब फादर कहते हैं आई हैव नो डाउट ही रिचली डिजर्व देम, मतलब उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारे अंकल आई हैव नो डाउट, मुझे कोई डाउट है नहीं है तुम्हारे, ही रिचली डिजर्व देम मतलब ही हाईली डिजर्व देम। अब देम मीन्स वो बीटिंग्स जो टीचर से उसका पिटाई होता था वो 100% वो डिजर्व करता था उसको, मतलब कुछ इतना गलती करता था कि उसकी पिटाई होना ही चाहिए था।
तो इसीलिए पिटाई होता था। और मुझे विश्वास है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि उस पिटाई उसके लिए जरूरी था, उसको वो डिजर्व करता था उस पिटाई को। दे मीन्स बीटिंग। इफ ही हैड डन हिज लेसन्स प्रॉपरली एंड बिहेव्ड हिमसेल्फ ही वुड नॉट हैव बीन पनिश्ड। अगर योर अंकल टॉम, तुम अगर कह रहे हो कि अंकल टॉम के स्कूल डेज खराब थे सबसे, तो मैं तुम्हें ये कह दूं कि इफ यू डन हिज लेसन्स प्रॉपरली, अगर वो अपना लेसन्स प्रॉपरली कंप्लीट करता, मतलब अपने होमवर्क अपने लेसन्स प्रॉपरली पढ़ाई लिखाई करता, एंड बिहेव्ड हिमसेल्फ, एंड ही प्रॉपरली बिहेव्ड हिमसेल्फ, और उसका व्यवहार भी अगर प्रॉपर होता, ही वुड नॉट हैव बीन पनिश्ड। तो ही वुड नॉट हैव बीन पनिश्ड इन द स्कूल, तो उसको कभी पनिशमेंट नहीं मिलते स्कूल में। एवरीबॉडी नोज दैट, हर किसी को पता है ये चीज। कौन सी चीज ना, इफ यू आर डूइंग गुड, इफ योर बिहेवियर, इफ यू बिहेव्ड प्रॉपरली, इफ यू हैव डन योर होम लेसन्स प्रॉपरली, देन व्हाई योर टीचर्स विल बीट यू, तब तुम्हारे टीचर्स तुम्हें क्यों पीटेंगे, बीटिंग्स क्यों करेंगे। तो वही बात है, सबको पता है ये चीजें। तो तुम्हारे अंकल टॉम इस तरह के काम नहीं करते थे, लेसन्स कंप्लीट नहीं करते थे, अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इसीलिए पिटाई होता था, और इसीलिए वो डिजर्व करता है ये। बाय द वे, डोंट यू यूजुअली ब्रिंग होम ए रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द टर्म। तो बाय द वे, मतलब चलो छोड़ो ये सब बातें, डोंट यू यूजुअली ब्रिंग होम ए रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द टर्म, क्या तुम टर्म के एंड में एक रिपोर्ट कार्ड नहीं लाते हो, मतलब रिपोर्ट कार्ड निकल चुका है अभी तक दिखाए नहीं है। बोले डोंट यू यूजुअली ब्रिंग होम ए रिपोर्ट, मतलब जो रिपोर्ट कार्ड तुम्हारे, जैसे तुम सबको भी रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं उसी तरह के, पर क्या तुम एक रिपोर्ट कार्ड नहीं लाते हो एट द एंड ऑफ द टर्म, टर्म के खत्म होने के बाद क्या तुम रिपोर्ट कार्ड नहीं लाते हो। आरएस बोले यस डैड, हाँ डैड, मतलब आई ब्रिंग माई रिपोर्ट कार्ड, मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लाया हूँ। फादर बोल रहे हैं देन वेयर इज इट, तो ये रिपोर्ट वेयर, वो रिपोर्ट कार्ड कहाँ है, व्हाई हैव नॉट आई सीन इट, मैं अभी तक इसको क्यों नहीं देखा, मतलब यू हैव टू शो मी, रिपोर्ट कार्ड तो तुम दिखाने के लिए आए हो घर के लोगों को, तो पेरेंट्स को दिखाना है तुम्हें, साइन करवाना है, तो मैं अभी तक देखा क्यों नहीं रिपोर्ट कार्ड तुम्हारा। अर्नेस्ट कह रहे हैं आई वॉज वेटिंग टिल आफ्टर सपर टू शो इट टू यू। बोल रहे हैं एक्चुअली मैं, आई वॉज वेटिंग, मैं वेट कर रहा था टिल आफ्टर सपर, मतलब रात को खाना खाने के बाद भी हम वेट कर रहे थे आपको दिखाने के लिए, टू शो इट टू यू, इट मतलब रिपोर्ट कार्ड, टू शो द रिपोर्ट कार्ड टू यू, मैं कल वेट कर रहा था, मतलब बीता हुआ कल, ठीक है, मैं कल बहुत देर तक वेट किए आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाने के, इवन आफ्टर सपर, आफ्टर सपर के बाद भी। फादर बोल रहे हैं व्हाट एवर फॉर, फिर उसके बाद क्या हुआ, दिखाया क्यों नहीं, नो टाइम लाइक द प्रेजेंट, बोल रहे माई बॉय, नो टाइम लाइक द प्रेजेंट माई बॉय, क्या अभी टाइम नहीं है रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए, तो अभी दिखा दो, कल दिखाया नहीं है तो अब दिखाओ। आउट विथ इट एंड लेट्स सी व्हाट योर मास्टर से अबाउट यू दिस टाइम। वो छोड़ो वो सब बातें, पुराने बातें छोड़ो, आउट विथ इट एंड लेट्स सी, और चलो देखा जाए, लेट अस सी व्हाट योर मास्टर से अबाउट योर, अबाउट यू दिस टाइम, अब देखते हैं तुम्हारे अभी के जो रिपोर्ट कार्ड है इसमें देखते हैं व्हाट योर मास्टर से अबाउट यू दिस टाइम। दिस टाइम मीन्स प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हारा सिचुएशन क्या है स्कूल में, तुम कैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तुम्हारे रिपोर्ट में क्या क्या तुम्हारे टीचर्स कह रहे हैं, चलो अभी देखते हैं। इफ आई रिमेम्बर राइटली यू वेर प्रिटी लो इन योर फॉर्म लास्ट समर। बोले अगर मुझे सही से याद है, मतलब ये मजाक कर रहे हैं, ठीक है, बोले मतलब सब कुछ याद है, एक्चुअली सब याद है। बोले इफ आई रिमेम्बर राइटली, मतलब इफ आई रिमेम्बर प्रॉपरली, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, अगर मुझे सही से याद है तो मुझे अच्छी तरह से पता है, यू वर प्रिटी लो इन योर फॉर्म लास्ट समर, तो तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, यू आर प्रिटी लो, प्रिटी लो मीन्स वेरी मच लो, ठीक है, तुम बहुत ही ज्यादा खराब थे इन योर फॉर्म लास्ट समर, लास्ट समर में तुम्हारे जो परफॉर्मेंस थे वो बहुत ज्यादा खराब था। तब आनेश बोल रहे बट आई वॉज इन द सेकेंड 11 क्रिकेट टीम, लेकिन बोल रहे नहीं, लेकिन मैं तो सेकेंड 11 क्रिकेट टीम में था, एंड डीड ए लॉट ऑफ स्विमिंग फॉर द स्कूल, और मैंने बहुत स्विमिंग में, एंड डीड ए लॉट ऑफ स्विमिंग फॉर द स्कूल, और
स्विमिंग में मैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया हूँ और स्विमिंग में मैं अपना स्कूल का नाम भी रोशन किया हूँ, मतलब आई गॉट रिवॉर्ड इन स्विमिंग कंपटीशन, मतलब स्पोर्ट्स में, समझ में आया, स्पोर्ट्स में मैं तो स्कूल का नाम भी रोशन किया हूँ, बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। तो फादर बोले वेल वेल दैट वाज समथिंग इन योर फेवर, हाँ हाँ मुझे पता है कि इट वाज समथिंग इन योर फेवर, ये तुम्हारे थोड़ा फेवरेट है कि स्विमिंग में तुम परफॉर्मेंस तुम्हारा अच्छा है, मानता हूँ। ऑल द सेम आई डोंट पे लॉट ऑफ मनी फॉर यू लर्न नथिंग बट गेम्स। तो ये मत सोचो, ऑल द सेम जैसे हम सब के पेरेंट्स भी कहते हैं कि मान के चलो तुम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, तो लेकिन हमारे घर के लोग सोचते हैं कि अरे स्पोर्ट्स से क्या होगा, है ना। मान के चलो तुम में से किसी की सिंगिंग अच्छे है, तो घर के लोग उस क्वालिटी को ध्यान नहीं देते, तुमको कहते हैं कि नहीं तुम्हें पढ़ाई के लिए भेजो है, तुम्हें अच्छा मार्क्स लाना है, यू हैव टू एक्वायर 98-99%। अगर तुम्हारे पास 90% है तो भी घर पेरेंट्स खुश नहीं है, ऐसे दिस इज द फैक्ट, this is the real fact. If a student get 80%, even his parents are not happy because they are watching. वो क्या देखते हैं कि how much percentage acquired by the boy next to your house. उस बच्चे को कितना मिला है, तुम्हारे घर के बगल में जो बच्चा रहते हैं उसको कितना परसेंटेज मिले है, उसको मान के चलो 92 मिले हैं। अब वो देखते हैं परसेंटेज, आजकल के कुछ पेरेंट्स जो है परसेंटेज के ऊपर ध्यान देते हैं कि 80% से क्या होगा, 85% क्या होगा, भले 99% ला दोगे तो भी बोलेंगे कि नहीं 100% क्यों नहीं आया, 1% क्यों छूट गए। दिस इज आवर साइकोलॉजी, नो वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट। योर ये तुम्हारे पेरेंट्स के लिए मैसेज है, दिस इज द मैसेज टू योर पेरेंट्स नॉट टू यू, के वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट, वी शुड इंस्पायर आवर चिल्ड्रन। हम सब अपने बच्चों को इंस्पायर करना चाहिए, वी शुड नॉट ब्लेम देम कि बेटा तुम 80% क्यों लाए हो, 60% क्यों लाए हो, 50% क्यों लाए हो। अरे 50% लाए हैं मतलब भी तो ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 50% से भी कम लाए हैं, तो डोंट थिंक नेगेटिवली, थिंक इट पॉजिटिवली, ठीक है। लेकिन हम सब क्या करें, अब जब हम सब चाहते हैं कि रेस में सब दौड़ते रहे, यू मस्ट एक्वायर द नॉलेज, नंबर विल ऑटोमेटिकली कम, ठीक है, नंबर इधर उधर होते रहेंगे, लेकिन योर नॉलेज विल हेल्प यू ऑलवेज, तुम्हारा नॉलेज तुम्हें हमेशा हेल्प करेंगे। सो नो टाइम लाइक द प्रेजेंट माय बॉय, आउट विद इट। चलो अगर सच बताया जाए, लेट मी सी व्हाट योर मास्टर से अबाउट इट, हो गया। सो वेल दैट वाज समथिंग इन योर फेवर, ऑल द सेम आई डोंट पे ए लॉट ऑफ मनी फॉर यू लर्न नथिंग बट गेम्स। मैं सिर्फ गेम के लिए तुम्हें इतना पैसा बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे स्कूल में इतना फीस नहीं भर रहा हूँ। It's work that counts every time, you know, it's work that counts every time and don't you forget it. ये जो it's work, यहाँ पे work मतलब your marks on your subjects, तुम्हारे subjects के जो marks है, तुम्हारे education के ऊपर जो performance है, performance on your education, ठीक है, not sports, वो count होगा every time, हर बार, and don't you forget it. और क्या तुम ये भूल गए हो? Now let's see the report. If you have not lost it, ये थोड़ा मतलब insulting way बोल रहे हैं। चलो मुझे report card दिखाओ। अगर तुम उसको खो नहीं दिए हो, अगर वो तुम्हारे पास से खो नहीं गया है, मतलब you are too much careless, तुम तो careful तो हो नहीं, तुम्हें report card दिखाते भी नहीं हो सही ढंग से। तो चलो report card अब दिखाओ, अगर तुम्हारे पास से report card खो नहीं गया है। So, if you like this video, please comment below, comment नीचे जरूर comment करना, and at the same time like and subscribe करना मत भूलना, and हो सके तो you must share with your friends. Thank you for watching the video.